नमस्कार। वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो सोने और चांदी में हमने जबरदस्त अच्छा खासा मूव बनते हुए देखा। हमने देखा कि गोल्ड के अंदर पूरे हफ्ते भर के अंदर आधे परसेंट की तेजी बनी और हमने प्राइजेस को 48,000 के करीब जाते हुए देखा बार बार में। वहीं चांदी की अगर बात करें तो बेस मेटल का सपोर्ट चांदी को मिलता हुआ दिखाई दिया और 1.5% की तेजी के साथ चांदी भी करीबन 61,600 के करीब क्लोज होते हुए दिखाई दी। ओवरऑल हमें लगता है कि जो शॉर्ट कवरिंग बनी है वो कंटिन्यू रह सकती है। इंटरनेशनल में हमने देखा कि इन्फ्लेशन कंसर्न के चलते इंटरनेशनल गोल्ड 1820 के ऊपर और चांदी भी 22.5 के करीब या 22-25 के करीब कंटिन्यू होल्ड कर रही है। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट रहेगा डॉलर इंडेक्स, जिसमें हमने 2 महीने की लो पे ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में अभी भी गिरावट का रुख कंटिन्यू रहेगा, जिसके चलते सोने और चांदी को सपोर्ट मिलेगा। अगले हफ्ते के लिए सोने में हम 47,600 47,500 के करीब मिले लेके चलिए। ध्यान रखिए 48,200 का लेवल तोड़ने पे ही हम नई तेजी देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर भी अगला हफ्ता वॉलिटिलिटी वाला रहेगा। ये हफ्ते में हमने देखा 62,500 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो नई तेजी के लिए 62,500 तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 60,800 से 61,000 के करीब चांदी मिले लेके चलना चाहिए। वहीं एनर्जी पैक की बात करें तो यहाँ पे हमने दोनों ही काउंटर में क्रूड में और नेचुरल गैस के अंदर जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी है। क्रूड में 6.25% की तेजी और नेचुरल गैस में 8.5% की तेजी ऑलमोस्ट हमने बनते हुए देखी है। फ्रेश बाइंग के साथ सीजन से विंटर और एनर्जी क्राइसिस यूरोप में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। साथ में ओपेक मेंबर्स ने जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की वो फरवरी से आएगा। राइट नाउ लीबिया और कजाकिस्तान में जो डैमेजेस हुए हैं, जिसकी वजह से 3.5 मिलियन बैरल का कटआउट है, जिसकी वजह से क्रूड को सपोर्ट मिला। टेक्निकली ओवरबॉट जरूर है, बट कहीं ना कहीं यूरोप क्राइसिस के चलते नेचुरल गैस को भी सपोर्ट मिल रहा है, जो फिर से 340 से 350 का लेवल दिखा सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए क्रूड के अंदर थोड़ा से ड्रॉप पे 6,050 पे लेके चलिए 6,350 के टारगेट के लिए। नेचुरल गैस 310 के ऊपर पॉजिटिव है, जो 328 से 330 तक का लेवल दिखा देगा। अंत में अगर हम बेस मेटल की बात करें तो यहाँ पे हमने निकल में एक अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी है और साथ में जिंक के अंदर शॉर्ट कवरिंग, एल्यूमिनियम में शॉर्ट कवरिंग। बट कल के सेशन में हायर लेवल से हमने थोड़ी बहुत वापस पुल बैक आते हुए देखा है। बट चाइना से जो डेटा पॉइंट आए हैं काफी शानदार आए हैं, जिसके चलते अगला हफ्ता भी तेजी का रहेगा, जहां पे कॉपर 735 738 के बीच में मिले लेके चलिए 750 के टारगेट के लिए। जिंक 288 से 286 के बीच में मिले लेके चलिए 290 का लेवल तोड़ के 94 का लेवल। वहीं निकल ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जहां पे 1610-15 की रेंज में लेके चल सकते हैं 1680 के टारगेट के लिए। एल्यूमिनियम में भी तेजी का रुख कायम रहेगा, जो 232 तक लेके 240 का टारगेट लिया जा सकता है। लेड के अंदर भी 194 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। चीन में जीवन से प्रोडक्शन में कटौती है, इंपोर्ट इंप्रूवमेंट है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगले हफ्ते के लिए बेस मेटल में भी बाइंग है, नेचुरल गैस में भी बाइंग है और सोने चांदी में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए।